आज हम लोग इस लेक्चर में एथिल ब्रोमाइड पढ़ेंगे जो एल्किल हैलाइड का सदस्य है, दो कार्बन का सदस्य है। इसके पहले हम लोग जनरल एल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। तो एथिल ब्रोमाइड का सूत्र है C2H5Br, इसका सबसे पहले हम लोग प्रिपरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। चलिए, प्रिपरेशन में आप देखिए फ्राम एल्किन से बनाया सकता है। एल्किन का कोई भी सदस्य आप ले लीजिए, CH2W1CH2 में लिया, अगर CH2W1CH2 पर HBr का एडिशन कराते हैं तो जो हमारा बन जाएगा CH3CH2Br बन जाएगा, ये भी एल्किल हैलाइड एथिल ब्रोमाइड बन गया। अगर C2H6 का Br2 के साथ क्रिया कराते हैं, HMu रहने देंगे और ये बन जाएगा C2H5Br हो जाएगा और प्लस HBr निकल जाएगा, जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शन है। अब आते हैं एथिल एल्कोहल से, ये तीसरा जो है एथिल एल्कोहल से PCl3 की भी क्रिया कराने से भी बन जाएगा, PBBr3 के साथ क्रिया कराने से बन जाएगा, PBBr5 क्रिया साथ कराने से बन जाएगा, SOBr2 के साथ क्रिया कराने से बन जाएगा, HBr और KBr के साथ बन जाएगा। अब देखिए C2H5 की क्रिया PBBr3 के साथ कराएंगे तो इसके तीन मॉलिक्यूल बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, जो बन जाएगा C2H5Br बन जाएगा प्लस H3BO3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? H3BO3 बन जाएगा। वैसे इसके साथ अगर क्रिया कराते PBBr5 के साथ, PBBr5 ये मैं बता चुका हूँ, जैसे PCl5 की क्रिया होती है वैसे PBBr की क्रिया होता है, तो ये बन जाएगा C2H5Br बन जाएगा प्लस PO3 बन जाएगा प्लस आपका हो जाएगा HBr बन जाएगा। हमने कहा था आप किसी भी OH ग्रुप पर अगर PCl5 या PBr3 क्रिया होती है तो इस तरह से, जैसे C2H5OH लिखा है, अगर इस पर क्रिया होगा तो यहाँ पर O और H और यहाँ पर PBBr5 है तो ये टूटता है इस तरह से, यहाँ पर हो जाएगा Br, यहाँ पर PBr3 बन जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा Br हो जाएगा, तो PBBr3 निकल जाएगा, PO Br3 निकल जाएगा, साथ में C2H5Br बन जाएगा, अब अगर SOBr2 C2H5 के साथ क्रिया कराते हैं तो आपका SOBr2 के साथ कराएंगे, ये भी वही बनेगा, C2H5Br ही बनेगा प्लस SO2 बन जाएगा और प्लस आपका हो जाएगा HBr हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HBr बन जाएगा। इसके अलावा C2HBr का क्रिया कराते हैं HBr का C2H5OH के साथ तो आपका बन जाएगा C2H5Br बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा। अगर आप C2H5KBr के साथ कराते हैं तो वही आपका होगा, आप बन जाएगा C2H5Br बन जाएगा प्लस आपका बन जाएगा HBr बन जाएगा। अब आप देखिए चौथे नंबर पे आता है फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर साल्ट की क्रिया Br2 से कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं, एक कार्बन कम हो जाता है और जो बन जाता है वो क्या है? एल्किल हैलाइड बनेगा। देखिए यहाँ पर एक, देखिए ये जनरल R था तो ये एक कार्बन ये CO2 के रूप में निकल जाएगा, बाकी एल्किल हैलाइड का बन जाएगा। अब आप देखिए इसमें प्रॉपर्टी में चलते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टी में, आप देखिए प्रॉपर्टी में, अब आप देखें इसमें प्रॉपर्टी में, देखिए एल्किल हैलाइड का बहुत सामान्य प्रॉपर्टी, एल्किल हैलाइड का अगर एल्कोहलिक KOH या NaOH, ध्यान रखेंगे किसी भी एल्किल हैलाइड का एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक NaOH के साथ क्रिया कराते हैं, सॉरी एक्वस KOH के साथ कराते हैं तब तो यहाँ पर एक्वस के साथ कराएंगे तब तो उसके समकक्ष एल्कोहल बनेगा, C2H5OH बन जाएगा और साथ में KBr निकल जाएगा। चाहे एक्वस NaOH या एक्वस KOH के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्कोहल बन, लेकिन एल्कोहलिक के साथ कराते हैं तो एल्कोहल नहीं बनता है। जैसे यहाँ पर देखें, अगर इसी C2H5Br की क्रिया जो है अगर एल्कोहलिक KOH के साथ अगर क्रिया कराते तब ये नहीं बनेगा, तब बन जाएगा एल्किन बन जाएगा, एलिमिनेशन CH2CH2 जो प्रिपरेशन बताए हैं और प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पर H2O हो जाएगा और प्लस यहाँ पर KBr हो जाएगा, यानी एल्किन बन जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। ध्यान रखेंगे एल्किल हैलाइड की क्रिया अगर एक्वस NaOH के साथ कराते हैं एल्कोहल बनता है, लेकिन एल्कोहल के साथ कराते हैं एल्किन बनता है, जो एलिमिनेशन रिएक्शन है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब आते हैं NaSO3Na के साथ अगर क्रिया कराते हैं तब तो बन जाएगा, देखिए अगर C2H5Br है जो आपका हो जाएगा NaSO3, ध्यान रखिए NaSO3Na ध्यान रखेंगे, इसके साथ क्रिया कराते हैं तो C2H5SO3Na बन जाएगा और NaBr निकल जाएगा। अगर रिएक्शन भी NaOH यानी C2H5
C2H5Br की अभिक्रिया जो है NaOH सोडियम इथाक ऑक्साइड के साथ कराते हैं, तो ध्यान रखेंगे ये Br और ये Na निकल जाएगा और बन जाएगा आपका क्या बनेगा C2H5O C2H5। इसको कहते हैं डाई एथिल ईथर और इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा विलियमसन सिंथेसिस। क्या नाम होगा? विलियमसन WILLIAMN या विलियमसन सिंथेसिस हो जाएगा। अब आते हैं रिएक्शन विद Ag2O के साथ, इसके साथ क्रिया कराएंगे तो क्या दो मॉलिक्यूल एथिल ब्रोमाइड हो जाएगा और Ag2O, आप ध्यान रखिएगा आप क्या बन जाएगा डाई एथिल ईथर बन जाएगा। डाई एथिल कैसे रिएक्शन होगा आप ध्यान रखेंगे C2H5 दो मॉलिक्यूल रहेगा Br प्लस यहाँ पर देखिए यहाँ O रहेगा और उसके बाद आपका क्या है Ag2O है, ठीक है C2H5Br रहेगा, इसका दो मॉलिक्यूल सिल्वर जो है दो ब्रोमीन को लेकर के Ag2Br के रूप में निकल जाएगा, बाकी डाई एथिल ईथर बन जाएगा। अब आते हैं रिएक्शन विद AgCN, ध्यान रखेंगे AgCN और KCN एल्किल हैलाइड के साथ इन दोनों का रिएक्शन होने के साथ AgCN के साथ होगा, तो ध्यान रखेंगे समकक्ष आइसो बनेगा यानी एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा। लेकिन अगर NaCN के साथ करेंगे तो एथिल आइसो नहीं सिर्फ एथिल साइनाइड बनेगा। अब आते हैं रिएक्शन विद MgS3 के साथ C2H5Br किसी भी एल्किल हैलाइड के अगर मेटल के साथ क्रिया करते हैं अगर मेटेलिक कंपाउंड बनता बन जाएगा C2H5MgBr बन जाएगा, इसको हम कहते हैं RMGX के नाम से जानते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक के नाम से जानते हैं। अब रिएक्शन विद NH3 C2H5 अगर Br की अभिक्रिया NH3 के साथ कराते हैं तो आप ध्यान रखें C2H5NH2 बन जाएगा और -HBr निकल, फिर पुनः अगर इसी एल्किल C2H5Br की अभिक्रिया कराते हैं तो बन जाएगा C2H5NH और C2H5 बन जाएगा। फिर पुनः कराते हैं अगर C2H5Br का ही कराते हैं तो बन जाएगा C2H5 यहाँ पर N हो जाएगा C2H5 और यहाँ पर भी C2H5 हो जाएगा, ये बन जाएगा यानी 3° amine बन जाएगा, याद रखेंगे इसको। अब आते हैं ये भी हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया रिएक्शन विद KNO2 के साथ और AgNO2 के साथ भी आप याद रखेंगे। जब AgNO2 के साथ कराएंगे तो एथिल नाइट्रेट बनेगा एथिल नाइट्रेट और जब KNO2 के साथ क्रिया कराएंगे तो एथिल नाइट्राइड बनेगा, ये ध्यान रखेंगे आप। अब आते हैं रिएक्शन विद जिंक, इसको कहते हैं फ्रैंकलिन रिएक्शन यानी दो मॉलिक्यूल C2H5Br दो मॉलिक्यूल अगर क्या बोलते हैं किसके साथ जिंक के साथ क्रिया कराते हैं ZN और C2H5Br यहाँ पर Br करते हैं Br C2H5 करते हैं तो ये बन जाएगा C2H5 यानी ब्यूटेन बन जाएगा और ZnBr2 निकल जाएगा। इसको हम कहते हैं कौन सा रिएक्शन फ्रैंकलिन रिएक्शन। अगर इसी जगह पर सोडियम रख देते हैं इसी जगह पर इसी जिंक के जगह सोडियम रख देते हैं तो हम इसी को ऊर्ज रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन विद KSH C2H5Br प्लस KSH और ये KBr निकल जाएगा जो बनेगा C2H5SH, इसको कहते हैं थायल कोहल, क्या कहेंगे थायल कोहल और प्लस KBr निकल जाएगा। अब कुछ रिएक्शन और बचा है रिएक्शन विद CH3COOH अगर जो है अगला देखते हैं इसमें और 11-12-13 नंबर में रिएक्शन CH3COOH के साथ अगर हम क्रिया कराते हैं ये हो जाएगा C2H5Br प्लस CH3COOH और ये बन जाएगा आपका, आगे देखिए ये बनेगा आपका CH3COOH5 ईथर बन जाएगा प्लस NaBr आपका निकल जाएगा, ये आपको कहलाएगा एथिल ईथर आपका। अब 13-14 नंबर में आप देखिए 14 नंबर में आपको इसका अगर रिडक्शन कराते हैं अर्थात रिडक्शन यहाँ पर REDUCTI रिडक्शन देखिए C2H5Br की अब का रिडक्शन कराने के लिए या तो आप निकिल आब्लिक प्लेटिनम और H2 रख दीजिए या रख सकते हैं Na आब्लिक C2H5 को रिड्यूसिंग रखेंगे तो ये बन जाएगा C2H6 बन जाएगा। 15 नंबर में आप इसकी अभिक्रिया अगर पोटेशियम साइनाइड के साथ कराते हैं यानी रिएक्शन विद KSCN के साथ कराते हैं इसके साथ KSCN के साथ कराते हैं तो ये हो जाएगा C2H5 आपका Br प्लस KSCN के साथ कराते हैं ये बन जाएगा C2H5SCN बन जाएगा प्लस KBr आपका निकल जाएगा। इसके अलावा आपको और भी प्रॉपर्टी इसमें है देखिए इसकी अभिक्रिया अगर आप जो 16 नंबर रिएक्शन विथ NaSC2H5 के साथ कराते हैं तो हो जाएगा C2H5Br
प्लस एन ए एस सी टू एच फाइव जो आपका बनेगा सी टू एच फाइव एस थायो ईथर बन जाएगा एस है और सी टू एच फाइव बन जाएगा प्लस आपका एन ए बी आर निकल जाएगा। इसके अलावा आप अगर के टू एस के साथ कराते हैं 17 नंबर में रिएक्शन विथ के टू एस के साथ कराते हैं तो सी टू एच फाइव बी आर प्लस के टू एस इसके दो मॉलिक्यूल ले लीजिए तो बन जाएगा सी टू एच फाइव एस एस प्लस सी टू एच फाइव प्लस टू के बी आर बन जाएगा डाई इथर ईथर बन जाएगा। इसके अलावा आप एल्काइन के साथ 18 नंबर में अगर रिएक्शन विथ एल्काइन के साथ कराते हैं एल्काइन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सी टू एच फाइव बी आर प्लस आपका हो जाएगा एल्काइन के सोडियम साल्ट के साथ एन सी ट्रिपल बॉन्ड सी और यहाँ पर एच करते हैं तो ये बन जाएगा सी टू एच फाइव और यहाँ पर सी ट्रिपल बॉन्ड सी और यहाँ पर एच प्लस एन ए बी आर हो जाएगा। और एक लास्ट में आपका 19 नंबर में अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर साल्ट के साथ क्रिया कराते हैं तो हो जाएगा सी एस थ्री सी डबल ओ ए जी के साथ रिएक्शन विथ सी एस थ्री सी डबल ओ ए जी के साथ अगर क्रिया कराते हैं तो आपका बन जाएगा सी टू एच फाइव बी आर प्लस सी एस थ्री सी डबल ओ ए जी बन जाएगा सी एस थ्री सी डबल ओ सी टू एच फाइव एथर बन जाएगा प्लस हो जाएगा ए जी बी आर आपका निकल जाएगा।